जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा सिस्टम विंडोज 10 में है। आपको पहले विंडोज 10 का अपडेट एंड सेटिंग्स में जाना है, देन आपको चेक करना है कि आपको विंडोज 10 अपडेटेड है। देन आपको यहाँ सर्च में आना है, देन यहाँ पे विंडोज इनसाइडर लिख के सर्च करना है। देन आपको यहाँ पे विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम दिखाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, अभी आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे लिंक एंड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लिंक कर देना है, या फिर आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आपको एक क्रिएट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे वो अकाउंट शो होगा एंड आपको उस अकाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ये तीन ऑप्शन आएगा, स्कीप एड टू द नेक्स्ट विंडोज रिलीज सिलेक्ट करना है, और एक ऑप्शन आएगा कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, मैं स्लो ही रिकमेंड करूंगा। देन आपको कन्फर्म कर देना है। देन आपको अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है। अभी कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम अभी कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा आपको। अभी आपको यहाँ पे डेव चैनल सिलेक्ट करना है एंड आपको देखना है कि ये डेव चैनल में सिलेक्टेड है, बाकी और भी ऑप्शंस है दो तीन, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको डेव चैनल में सिलेक्ट करके रखने के लिए। अभी आपको यहाँ पे कुछ और नहीं करना, आप यहाँ से बैक कर दो। अभी आपको विंडोज अपडेट में क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो कि मेरा विंडोज अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। एंड आपका विंडोज अगर अपडेटेड नहीं होगा तो आपको यहाँ पे पहले विंडोज 10 का जो अपडेटेड वर्जन है उसका अपग्रेड दिखाएगा, आपको पहले वो इंस्टॉल करना है, देन आपको विंडोज 11 का इनसाइडर प्रीव्यू डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा।